फ्रेंड देखिए बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। अब जल्दी से फ्रेश होके अपना लंच बना रही हूँ क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे। परांठा सब्जी ही ले जाती हूँ, ज़्यादा नहीं ले जाती हूँ मैं, लिक्विड वगैरह चीज़ें। और ये मैं तैयार होके निकली हूँ, बाहर हमारी वैन खड़ी है और हम चलती हैं अपने स्कूल की तरफ। 7:30 का करीब टाइम है, मौसम सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है बैठ के। हम सारी टीचर्स और ड्राइवर हम लोग जा रहे हैं, स्कूल लगभग काफ़ी दूर है। मतलब फ्रेंड इस टाइम बज गए लगभग 3 में, अभी स्कूल से मतलब 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए। आके मैंने खाना खा लिया, बर्तन वगैरह सब धो के बस मुंह पे पानी के ऐसे करके जरा सा धोया है और आपके सामने वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। इतना ज्यादा बिजी हो गई है लाइफ की मैंने सोचा नहीं था। जब टाटा में थी तब रात को घर आती थी, तब वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनते थे, 3-3, 4-4 महीने का गैप हो जाता था। अब टीचिंग लाइन में हूँ तो अभी डेली संभव नहीं हो पा रहा है। और जबकि अब मैं किसी हालत में यूट्यूब को नहीं छोड़ना चाहती हूँ आज की डेट में, तो मेरा यही विचार है। आगे पता नहीं अगर ऊपर वाले ने क्या लिखा हुआ है, मैं कंटिन्यूटी रहूंगी नहीं रहूंगी मैं नहीं कह सकती आज की बेस में। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे अपना शेयर कर रही हूँ रूटीन। उसके अलावा आज फ्रेंड मैं आपसे एक और अपने मन की बात शेयर करना चाह रही हूँ। आजकल जब से मैं टीचिंग लाइन में आई हूँ तब से फ्रेंड मुझे मतलब बार बार अपने पेरेंट्स की याद आती है। मतलब याद तो वैसे भी आती है पर टीचिंग से रिलेटेड। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बीएड करूं और टीचिंग लाइन में जाऊं, लेकिन उस समय एमए किए हुए मुझे 20 साल करीब हो गए हैं, उस समय मुझे इतना ज़्यादा मतलब लगता था ना बाबा ना, टीचिंग तो बहुत टफ है। दूसरे आप भी पढ़े होंगे कॉलेज वगैरह में, स्टूडेंट वगैरह देखते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते थे, कुछ जो केवल टीचर्स की या फिर कलीग की हंसी उड़ाना यही सब मतलब अखबार अल्लाह दर्जे के शैतान मतलब कहना चाहिए नहायत ही बदतमीज टाइप के होते थे। तो उस बच्चों की वजह से मतलब कभी मन ही नहीं किया, कभी इंटरेस्ट भी, मुझे लगता था नहीं टीचिंग नहीं होनी चाहिए। फिर आप ये लेकिन अब मैं जो टीचिंग कर रही हूँ तो मुझे टीचिंग ही अच्छी लग रही है। तो मुझे बार बार याद आता है अपने माता पिता का ये कहना कि तुम स्कूल में ट्राई करो, तुम किसी कॉलेज में ट्राई करो, ये सब चीजें पता नहीं क्यों कहना चाहिए। ऑफिस में जॉब करती थी या यूँ कहिए शायद मेरा एडजस्टेबल नेचर है ये कि जैसी परिस्थिति सामने आती है मैं उसके अनुसार ही अपने आप को ढालने की कोशिश करती हूँ। जब मैंने ऑफिस में काम किया सुबह से लेकर शाम तक रात को 7 बजे तक, सारे दिन कंप्यूटर जिसकी ABCD ना हो पता होने के बाद भी वहां पे सारा काम कंप्यूटर पे होता था, वो हमने किया भी, मीटिंग्स अटेंड की बड़े बड़े अधिकारियों के संग सबके संग, ऑटोमोबाइल की लानी, मेरे कस्टमर जो मतलब कार खरीदने वाले जो कस्टमर आते थे वो बहुत आश्चर्य करते थे, मैम आपको कारों के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। अभी भी मैं सड़क पे कार जा रही हूँ ना तो मैं ये बता दूंगी ये कौन सा वर्जन है, इसमें क्या चीज़ है, मतलब एक नज़र डालती ही बता सकती हूँ वो सड़क पे गुजरते समय कि इसके अंदर क्या है। आज भी मैं जब जाती हूँ तो मेरी नज़र सिर्फ कारों पे ही रहती है क्योंकि बहुत लंबा वक्त बिताया है इन कारों के साथ मैंने। फिर लेकिन उस समय अच्छा लगता था और अब मैं टीचिंग लाइन में आई हूँ तो मुझे टीचिंग अच्छी लगने लगी है। तो मुझे अक्सर याद आ जाती है कि अगर आज मेरी मम्मी होती ये मेरे पापा होते तो शायद कहीं खुश तो बहुत होते क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस लाइन को करूं। तो मुझे इस चीज के बारे में मतलब डेली से ही याद आती है। हालांकि अपनी माँ को तो मैं माता को पिता को मतलब बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, मैंने उनके लिए अलग वीडियो भी बनाया है, बहुत ज्यादा याद आती है उन लोगों की। और इस चीज के लिए मतलब टीचिंग के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा याद आती है कि आज अगर माँ होती और तो उन्हें भी कहीं अच्छा लगता मुझे दोपहर में घर आके देखते हुए, शायद नहीं यकीन से कह सकती हूँ मैं इसका। कई बार ऊपर सोचती हूँ क्या माँ मुझे देख पा रही होंगी, नहीं आज मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मैंने सोच लिया है अभी नहीं, इसलिए मैं एक दो ब्लॉग बिल्कुल शांति वाले बना रही हूँ। तो फ्रेंड मैं ये कहनी जैसे कुछ आप लोग हम लोग कुछ लोगों के वीडियो पे रेगुलर जाते हैं जिन पे ऐसे हम एक कनेक्शन फील करते हैं, वो किसी का भी वीडियो हो सकता है। ऐसे ही कुछ लोग मेरे चैनल पे आते हैं, ऐसे मैं भी कुछ लोगों की वीडियो रेगुलर ही देखती हूँ। तो जिसमें मेरे ख्याल से आप लोगों ने नाम सुना होगा लिविंग टूडे ब्लॉग निवेदिता, क्योंकि निवेदिता और मेरी जिंदगी में क्या होता है ना, कई बार अगर आपकी और सामने वाले की जिंदगी सिमिलर होती है तो आप अपने आप से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, उसे कनेक्ट हो जाते हो।
तो मैं इनके निवेदिता के ब्लॉग तब से देख रही हूँ जब वो सक्सेस भी नहीं थी। ये नहीं कह रही एकाध गैप होता होगा, निश्चित रूप से होता होगा, उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी काफी देर दादा देखती हूँ इनके वीडियो। अब जैसे इनका लेटेस्ट है कि वासु की बर्थडे है, वो रीमैरिज कर रही हैं, सब कुछ, तो सारी चीजें मेरे अपनी जिंदगी से जो रिलेटेड होती हैं। इन्होंने भी वैसे ही स्ट्रगल झेला है, इन्होंने भी सेपरेशन झेला है, सब कुछ वही चीज जो मेरी जिंदगी में ही हुई थी। और लोग बहुत आसानी से कह देते हैं अरे क्या अकेले रह रही है, मजे है, लेकिन ये अकेलेपन का दर्द जो होता है ना, ये वो ही व्यक्ति जानता है। अभी आपने रतन टाटा का भी सुना होगा कि उन्होंने अकेले लोगों के लिए का एक संग एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है उनका, शेयर किया था कि अकेलेपन का दर्द हर कोई नहीं जान सकता है। जिसके पास पूरा परिवार होता है, जिसके पास बच्चे होते हैं, जिसके पास पति होता है, जिसके पास और फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कभी नहीं समझ सकता अकेलेपन का दर्द क्या होता है। इसीलिए हम जैसे लोग अपने आप को दिन रात काम में ही झोंके रहते हैं एक तरीके से। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं, मेरे जो पड़ोसी है ना, वो कई बार कहते हैं कि पता नहीं कैसी मैडम है, इनका दरवाजा नहीं, मैं दिन भर मतलब कुछ ना कुछ चिटर 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 करती ही रहूंगी। अकेले बैठना मुझको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं जहां बिल्कुल चुपचाप होती हूँ तो मेरा रोना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई दिन ही नहीं खाली जाता होगा जिस दिन मैं अपने बच्चों को याद करके ना रहूंगी। और मैं वैसे फ्रेंड बताऊं, एक स्कूल ना करने का एक कारण ये भी था, मुझे पता था कि वहां बच्चे होंगे तो मैं वहां बच्चों को देख के इमोशनल हो जाऊंगी। तो इस स्कूल में भी मैं अक्सर छोटे बच्चों को देख के, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत गदवदे से होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, मुझे तुरंत अपने बेटे की याद आ जाती है, या वो कोई बच्चा होता है जो तुतला के बोलता है तो याद आ जाती है एकदम से। बस कंट्रोल रखना पड़ता है, एक नकाब सा हम लोग अपने फेस पर रखते हैं हमेशा ही। आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड, अब मुझे इतने सारे दिन बाद अब जाके मेरे कुछ कलीग्स को, मतलब जो हमारी अदर टीचर्स हैं या हमारे प्रिंसिपल सर को, मेरे बारे में पता चला। क्योंकि मैं कुछ नहीं, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, तो मुझे इतना है, मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा मैम आपके स्माइलिंग फेस को देखकर लगता नहीं कि आप इतना बड़ा दर्द फेस कर रही हो, क्या करें, रखना पड़ता है ना। तो बस यही थोड़ी सी बातें आपके संग शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, और कुछ नहीं। आगे की स्टोरी में बनाऊंगी, लेकिन ये कि अभी मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ उसके बारे में। जहां तक एक दो दिन में बनाऊंगी तब मैं, क्योंकि आप लोग भी जानना चाह रहे हो ना कि आगे उसके क्या हुआ है। अभी तो वहां तक है, हम लोग घूमने गए थे वहां तक मैंने आपको बताया, लेकिन उसके आगे की स्टोरी में बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगी, मे बी एक ही दो दिन के अंदर। ये अभी समझ नहीं आ रहा था, तो अभी स्कूल से आके मैंने बस ये थोड़ी सी बातचीत आपसे की है, और मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।